से जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। नवयोग सूर्योदय समिति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों योग प्रशिक्षकों और योगाचार्यों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में योग से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों का आदान प्रदान किया गया। मनुष्य के जीवन में योग का क्या महत्व है, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देकर देशवासियों को जागरूक करने की कोशिश भी की गई। मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस के प्रांत प्रचारक युद्धवीर भी पहुंचे। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि योग करने से तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को लेकर लगातार चर्चा करते रहते हैं। प्रधानमंत्री की ही देन है कि आज पूरे देश में लोगों को विशेष पहचान मिली है। अभी भी इसके प्रचार प्रसार की जरूरत देखने को मिल रही है। कोरोना काल के दौरान योग की बदौलत लोगों ने खुद को निरोगी बनाया। समिति ने लोगों से योग को निरंतर अपने जीवन में उतारने की अपील की। योग प्रशिक्षकों ने भी योग की जमकर तारीफ करते हुए लोगों को योग के प्रति आकर्षित करने का संकल्प लिया है। सर, यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा, हम योग के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे आके जो ये नवयोग का जो हमें योग के बारे में और नॉलेज, यहाँ पे हमारे प्रोफेसर और जाने माने योग के सोमवीर आर्या जी, उनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने योग के बारे में हमें, मतलब एक समावेश जो होता है अध्यात्म का और भावनात्मक और सामाजिक सभी चीज़ का जो एक समावेश होता है योग के बारे में, कि हम योग को अपने जीवन में किस तरीके से उतारें, जो इस ज़माने में, मतलब आज के उसमें जो कैसी कैसी बीमारियां, डिप्रेशन, तो योग हमें, मतलब एक अच्छे जीवन के लिए एक प्रेरणा दे रहा है कि हम अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करें। योग करते हैं हमेशा वो सकारात्मक रहते हैं, कभी निगेटिव वो लगभग नहीं रहते हैं। और जो व्यक्ति सकारात्मक रहेगा वो देश के लिए काम अच्छा करेगा, राष्ट्र के लिए काम अच्छा करेगा। तो ये संस्था इसको प्रेरणा, सबको मेहनत करके परिश्रम करके कार्यक्रम कर रही है, इनके लिए साधुवाद है। और इनके लिए ये ऐसी कार्यक्रम करते रहें, समाज को जागृत करते रहें। योग से, योग जोड़ने की एक पद्धति है, सबको जोड़ती है, तो जोड़ने का काम ऐसे ही करते रहें, ऐसा मेरा इनसे सबसे निवेदन है। बहुत जरूरी है, सभी को करना चाहिए। सभी करेंगे तो मेडिकल जो ये दवाइयाँ होती हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसका साइड इफेक्ट बहुत होता है। तो सभी अपने जीवन में लाएंगे योग, आसन, प्राणायाम, तो वो निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे। मेरा विषय नाद मेडिटेशन है, जो बहुत सारे ध्यान के अनेक विषय पूरे विश्व में चलते हैं, जिसमें नाद योग का विषय बहुत सरल है। तो मेरे द्वारा जो हमारी पूरी संस्था है, ये इस बात का ध्यान रखती है कि जो विद्यार्थी योग में आ रहे हैं उनको अनुसंधान किया जाए, उनके लिए हम ऐसे प्रोजेक्ट दें, उनके लिए एक वातावरण तैयार करें जिसको उनको अलग अलग अनुभव हो। तो ये जो आयोजन है मुख्य रूप से उन सारे प्रोफेसरों के लिए है और उन विद्यार्थियों के लिए है जो योग में अनुसंधान करना चाहते हैं, योग में बढ़ना चाहते हैं, उसका जो उसको जानकर अपने को लाभ लेना चाहते हैं। मुनिकिरेती थाना अंतर्गत सैकड़ों मकान मालिक शहर की सुरक्षा के साथ अभी भी खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के समझाने के बावजूद मकान मालिक अपने किराएदारों के सत्यापन कराने के लिए तैयार नहीं है। मकान मालिकों की ये लापरवाही कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा देने में मदद करती है। पुलिस सत्यापन नहीं होने की वजह से कई बार क्रिमिनल अपनी पहचान बदलकर सुरक्षित रूप से मकान मालिकों के घरों में छिपे रहते हैं। ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर शीशम झाड़ी क्षेत्र में पहचान छिपाकर रहने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान एक दो नहीं बल्कि 3 दर्जन किराएदार मकान मालिकों के यहाँ बिना सत्यापन के रहते हुए पकड़े गए। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी अब समाजवादी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है, जिसकी शुरुआत तीर्थ नगरी ऋषिकेश से की गई। रविवार को समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अमित यादव ऋषिकेश के गीतानगर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का फूलमालाओं से जमकर स्वागत किया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कई युवा नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई।
मुख्य रूप से अजय सिंह को प्रदेश महासचिव, संदीप यादव को महानगर अध्यक्ष और मनीष जाटव को महासचिव महानगर के पद की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर कदम सिंह बालिया ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में उभारने के लिए उत्तराखंड में हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जनता के जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो सड़कों पर आंदोलन करने से भी समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। ऋषिकेश में हमारा आना हुआ, यहाँ पे कांग्रेस के और अन्य दलों से आए हुए लोग कुछ हमारे साथ ही है, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है यहाँ पे और जो है उन्हें पद भी दिया गया है। हमारे अजय सिंह जी है उन्हें जो है प्रदेश महासचिव योजन सभा बनाया गया है और संदीप यादव जी है उन्हें महानगर अध्यक्ष ऋषिकेश बनाया गया है और एक हमारे मित्र हैं मनीष जाटव जी, उन्हें महानगर सचिव बनाया गया है। देखिए हमारे नेता से अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि उत्तराखंड में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे और उसके लिए हमें यूथ को सबसे पहले जोड़ना होगा क्योंकि यूथ के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ यूथ रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़ाई नहीं मिल रही, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। कर्णप्रयाग प्रखंड में मेथी आंदोलन के जनक पद्मश्री कल्याण सिंह रावत के गाँव बेनौली के जूनियर हाईस्कूल के बच्चों ने शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचकर न केवल जिलाधिकारी कार्यालय, जिला न्यायालय को नजदीक से देखा बल्कि जिलाधिकारी से भी रूबरू हुए। इस पर बच्चों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अपने विद्यालय से सैकड़ों किलोमीटर दूर बच्चों ने जिला मुख्यालय भी पहली बार देखा। बच्चों से मिलकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बच्चों से अनेक प्रश्न पूछे जिसका बच्चों ने संतोषजनक उत्तर भी दिया। जूनियर हाईस्कूल बनौली के 39 छात्र छात्राओं का ये एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण विद्यालय के प्राचार्य सुरेंद्र सिंह चौहान, सहायक अध्यापक विकास कोठियाल और भगवती प्रसाद गौरेला के नेतृत्व में संपन्न किया गया। आज के जूनियर हाईस्कूल बेनौली ब्लॉक कर्णप्रयाग जिला चमोली का एक दिवसीय जो शैक्षिक भ्रमण था वो आज संपन्न हुआ। ये सब विद्यालय प्रबंध समिति एवं अध्यापकों के सहयोग से किया गया। विगत 3 वर्षों से कोरोना काल के दौरान जो छात्रों के अंदर शैक्षिक शिथिलता आ चुकी थी, घर में वातावरण बहुत ख़राब हो चुका था, उसको दूर करने के लिए ये प्रयास बहुत ज़रूरी हो गए थे। आज इस एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के दौरान बच्चों ने जड़ी बूटी शोध संस्थान मंडल का अध्ययन किया। मत्स्य पालन केंद्र वैरागना में किस प्रकार से जो है ट्रॉट मछलियों को उन्होंने अपने नज़दीक से देखा। माँ सिद्धिपीठ अनुसुईया देवी के दर्शन की। इसी के साथ सबसे अच्छी बात ये हुई कि छात्र पहली बार जो है जिला मुख्यालय को देखने में सफल रहे। कल हम लोग विद्यालय के एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण पर गए थे जिसमें हम लोगों ने पहली बार जिला मुख्यालय को गोपेश्वर देखा, जिलाधिकारी महोदय से पहली बार मिले, कोर्ट रूम देखा, जड़ी बूटी संस्थान मंडल एवं मत्स्य पालन केंद्र का भ्रमण भी किया। मैं पहली बार किसी टूर पर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं चाहती हूँ हमें ये अवसर बार बार मिले। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत हर दिन यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हो रही है। यूक्रेन में फंसे 4 छात्रों के साथ एक अन्य व्यक्ति भी अपने घर पहुंच गया है। इसमें अगस्त्य मुनि निवासी अंकित चंद्रा और अवंतिका भट्ट एवं मुखेमर निवासी लिप्सिका कुंवर और उत्कर्ष शुक्ला बशुनपट्टी के धूम सिंह के घर पहुँचने से परिजनों में खुशी बनी हुई है। घर लौटने पर इन सभी ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। साथ ही छात्रों ने भारत सरकार से कहा कि उनके साथ के अभी भी सैकड़ों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं जो बंकरों में रहकर रात काट रहे हैं, उन्हें भी किसी भी हाल में वापस लाया जाए। वहीं परिजनों ने पीएम मोदी से छात्रों के भविष्य को देखते हुए ठोस कार्रवाई की मांग की है। सर, जो सबसे पहले हमारे सामने जो दिक्कत आई थी वो था खाना पानी का, कि जैसे ही अटैक हुआ लोगों ने तुरंत तुरंत अपना राशन पानी भर दिया था और एज वी आर फॉरेनर तो हमको मतलब इतना नॉलेज नहीं था कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे हमको सुनने में आया उसके हिसाब से हमने भी जितना रखना था चावल आटा हमने रख दिया, लेकिन उसके बाद हमको रूम में ही नहीं जाने दिया गया हॉस्टल के द्वारा। उन्होंने कहा कि कभी भी रशिया अटैक कर सकता है क्योंकि बिल्डिंग्स को भी तहस नहस कर रहा था वो, तो हमको एक ही गोद दिया जा रहा था कि आप बंकर्स में रहिए। तो बंकर्स में ना ही हमारे पास कुछ पकाने का साधन था, ना ही लाइट था, ना ही कुछ था, ना ही हम कुछ बना पा रहे थे अंदर, तो वो खाना भी हमारा वैसे वेस्टेज हो गया। मैं बहुत खुशी हो रही है और मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने मेरे हमारे जनपद के जनप्रतिनिधि हैं और भारत सरकार में
मैं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मैं सभी का अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिनके सहयोग से मेरा बेटा सकुशल अपने वतन लौट आया है। इस जब से हमने 24 तारीख से सुना क्या गुजरी होगी हम पे, हम माँ बाप थे, हमारी तो कमारी टूट गई थी। और जब बेटे ने कहा कि मैं बॉर्डर पार हो गया हूँ तब थोड़ा रिलैक्स मिला है, सभी लोगों का सहयोग मिला है, सभी जितने मेरे सगे संबंधी थे, रिश्तेदार थे, जितने मेरे जान पहचान थे, सब लोगों की दुआ आशीर्वाद काम आया है। तो साफ तौर पर यही कहूँगी कि जिस तरह से जब किसी लेडी का फर्स्ट बॉर्न बेबी होता है इतनी खुशी थी माँ को, तो मुझे भी इस समय वही लग रहा है कि जैसा मेरा ही पहला बच्चा है, जो इतनी भीषण आपत्ति से जो मेरे पास मेरा बच्चा लौट के आया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी मैं अपने शब्दों को, अपने मन की पीड़ा को जो शब्द में बयान नहीं कर सकती, कि माँ की पीड़ा जो कर सभी समझ सकते हैं कि माँ को कितनी परेशानी, कितनी कष्ट का सामना करना पड़ा होगा उस समय। जब आपने घटना सुनी, अचानक से ये घटना सामने आई, उसके बाद क्या कुछ प्रयास किए गए, क्या कुछ आपने प्रयास किया बच्चे बनाने का? एक तरफ से देखा जाए तो हमारा प्रयास तो कुछ भी नहीं था साफ और शब्द में, पर फिर भी ये है कि अगर जैसे ये सूचना आ गई तो पूरे क्षेत्र में या मीडिया के माध्यम से सबको मिली, या मेरे बालक के थ्रू मुझे मिली कि माँ यहाँ ऐसे ऐसी घटना हो रही है, हमें बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शाम एसआई प्रेम प्रकाश शाह द्वारा एक खड़ंजा कुतुबपुर के गांव में एक युवक संदीप सैनी कलसिया का रहने वाला है, इसको एक अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसे न्यायालय में भेज रहे हैं। और यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the cheer makers, the dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माय नेम इज हिमानी पाठक एंड आई क्वालिफाई पीसीएस
UKPCS 2012 and I'm currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department, and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून. मोबाइल नंबर 9319700579. और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है. रुक करेंगे खबरों का. विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना आगामी 10 मार्च को संपादित की जानी है, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगडंडे ने कहा है कि इस बार मतगणना को समय से पूरा करने के लिए प्रति विधानसभा 4-4 कक्षों का गठन किया गया है, जिससे समय रहते मतगणना को पूरा किया जा सके. उन्होंने बताया कि सुबह सुबह सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना की जाएगी, जिसके पश्चात EVM मशीनों को खोला जाएगा. समय जहां पर हमको EVM काउंटिंग करनी है और जहां पर हमें पोस्टल बैलेट काउंटिंग करनी है, उस स्थान को मैंने आज निरीक्षण किया. वहां पर जो व्यवस्थाएं होती हैं, खास तौर पे काउंटिंग एजेंट्स के आने के लिए रास्ता होता है, हमारी टीम को जाने के लिए रास्ता होता है, उनकी चेकिंग की व्यवस्था होगी. साथ में वहां पर उनके जाने आने के लिए बैरिकेड्स की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना वैध प्रमाण पत्र के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं, प्रवेश नहीं कर पाएंगे. साथ में इस बार की काउंटिंग में हमने विशेष ये प्रयास किया है कि जो हमारा काउंटिंग का प्रक्रिया है वो समय से पूरा हो सके, उसके लिए हमने कार्यक्रमों की व्यवस्था किया है प्रति विधानसभा. उत्तरकाशी हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी उत्तराखंड के पारंपरिक तरीके से उत्तराखंड में एक अलग सी पहचान बना रहा है. कोरोना काल में घरेलू उत्पाद शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कारगर साबित हुआ है. पूरे देश में गढ़भोज के नाम से पहचान दिलाकर थाली का हिस्सा और आर्थिकी का जरिया बनने के लिए साल 2000 से गढ़भोज अभियान चला रहा है. पहाड़ की पहचान गढ़भोज को देश और दुनिया में गुजराती पंजाबी जैसे राज्यों के भोजन की तरह मांग और पहचान मिले, इसे लेकर संस्था कई सालों से जन जागरूकता अभियान, राज्य के उत्पादों के स्टॉल, आउटलेट, मेले और अन्य माध्यम से पहचान दिलाने का काम कर रही है. साल 2021 को गढ़भोज वर्ष के रूप में मनाया गया. गढ़भोज राष्ट्रभवन, राजभवन से लेकर राज्य की पुलिस के समस्त कैंटीनों, मैस के साथ साथ सरकारी गैर सरकारी विभागों की बैठकों, प्रशिक्षणों का हिस्सा भी बन पाया है. आज सैकड़ों होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों के मेन्यू में गढ़भोज को शामिल किया गया है. देखिए सर, इसमें दो चीज़ें हैं कि जो उत्तराखंड में परंपरागत जो व्यंजन है और आज से नहीं, वो सदियों से हम उनको घर में, विवाह में, शादियों में, समारोह में बनाते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं. लेकिन एक बदलते परिवेश में उत्तराखंड राज्य की जो हमने अवधारणा जो हमारी थी कि कैसे हम एक उत्तराखंड, जब हमारा राज्य बना था, इसको हमने कैसे पाया था, तो इसको शिक्षा में हम जो ये हमारे जो उत्तराखंड के परंपरागत व्यंजन है, इनको कैसे डाला, इसका एक ही बेहतरीन उदाहरण हो सकता है कि हमारी जो पीढ़ी है आने वाली, हम उनको उस इन सब व्यंजनों के बारे में बताएं कि इनका पोषणीय महत्व क्या है, इनसे इनको खाने से क्या फ़ायदे हैं, क्या हमारी इम्यूनिटी से मजबूत हो सकती है और किस तरीके से इनको बनाया जाता है. विडम्बना तो सर ये है कि हम जो है हमारा जो ये भोज है गढ़भोज, ये केवल गांवों तक ही सीमित रह गया. स्कूली बच्चों को हम फेयरवेल के दौरान जो कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं, उसमें उन व्यंजनों को हमने शामिल किया है जिन व्यंजनों को परंपरागत रूप से उत्तराखंड में खाए जाता है, और इससे जो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाने में बहुत सहायक होता है. इस बार हमारे सर लोगों ने ये किया कि मतलब गढ़भोज का मतलब गढ़भोज किया कि जो भी सामान लगेगा वो सब गांव से लेकर मंगाएंगे, और एक नया प्रैक्टिकल तैयार किया. यहाँ मतलब जितने भी बच्चे होम साइंस वाले, फिर जो और भी हैं सहयोग देने वाले, उन्होंने मतलब जितनी भी चीज़ें होती है गढ़वाल में जो एक खाद्य पदार्थ के रूप में यूज़ किया जाता है, मतलब जिसका यूज़ पहले करते थे लेकिन अब लोग उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं,
हमारे सर लोगों ने ये किया कि हम मतलब जो खाद्य पदार्थ हो गए हैं उनको मतलब उनको आगे लाया जाए। कि टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक के मथेला गांव के लोग इन दिनों बेहद परेशान हैं। यहां रेलवे की ओर से की जा रही ब्लास्टिंग के चलते लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने कीर्तिनगर उप जिलाधिकारी कार्यालय में आ धमके, जहां रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीण रामेश्वरी नेगी ने बताया कि रेलवे की ओर से सुबह शाम देर रात भी कभी भी ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे ग्रामीणों के मकानों में दरारें आगने लगी हैं। उन्होंने बताया कि रात में सोना भी ग्रामीणों का मुश्किल हो जाता है, बच्चे भी डरने लगे हैं। ग्राम प्रधान अमित कुमार ने बताया कि वे कई बार रेलवे के अधिकारियों के पास ब्लास्टिंग की समस्या लेकर जा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उधर उप जिलाधिकारी सोनिया पंत का कहना है कि उनके पास ग्रामीण समस्या को लेकर आए हैं, जिनको लेकर उन्होंने टीम गठित कर दी है। साथ ही रोस्टर के आधार पर ब्लास्टिंग की जांच की जाएगी, स्थानीय लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जी, अभी ग्राम प्रधान मलेथा के साथ कुछ लोग आए थे यहाँ पर, और उन्होंने अवगत कराया कि जो ब्लास्टिंग की जा रही है रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा, उनका कहना है कि उससे जो कंपन हो रहा है उससे दरारें भी आने का संभावना भी हो रही है, और उनका ये कहना था कि उनको यहाँ से निर्देशित किया जाए कि वो उसका जो ब्लास्टिंग का रेंज है उसे हल्का करें। तो हमारे द्वारा इस संबंध में तहसीलदार कीर्तिनगर को लेटर बनवा दिया गया है कि वे जा करके वहाँ पर जांच करेंगे और रिपोर्ट हमें देंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिवस के लिए मैं एक रोस्टर तैयार कर रही हूँ। हाँ, रेलवे बहुत ब्लास्ट कर रहा है, इससे हमारे गांव वालों को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, और कुछ परिवार मतलब कुछ आधा गांव तो हमारा ऐसा है कि जो कि जब रात को ब्लास्टिंग करते हैं तो उनका ब्लास्ट, पहली बात तो ब्लास्टिंग का कोई टाइम नहीं है, रात दिन कभी भी किसी भी वक्त ब्लास्टिंग करते हैं, और इतनी भयंकर ब्लास्टिंग होती है कि आधी रात को लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है, फिर बच्चों को परेशानी होती हैं, कई लोग मरीज हैं उनको परेशानियां होती हैं, और जब इतनी बड़ी ब्लास्टिंग होती है तो पूरे मकानों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं कि मकान की छत गिरने की कगार पर हैं। सर, एक बार नहीं, कई बार हम शासन प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं और रेलवे वालों को भी ज्ञापन दे चुके हैं, जो कि हमने SDM साहब को कई बार, दो तीन SDM साहब बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं, उनको भी ज्ञापन देते देते थक गए हैं, और DM साहब को भी हमने लिखित में और पोस्ट करके भी दिया था, पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। ये रेलवे वाले रात भर ब्लास्ट कर रहे हैं, जिससे पूरा गांव क्षतिग्रस्त हो गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।